हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एनीमे ट्यूबर चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको मिलती है एनीमे और कार्टून से रिलेटेड छोटी छोटी न्यूज एंड बड़ी से बड़ी अपडेट। आज की वीडियो काफी शॉर्ट समय, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, मतलब देख लो ना यार, ब्राउजर खोल के हेंटाई देखने का प्लान है। और अगर 0.1% वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जब भी आप मेरे साथ कोई कमेंट करता है भाई, वीडियो बड़ी अच्छी लगी, मेरा दिन बन जाता है। तो बिना आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चेंसो मैन का सीजन 2 आने वाला है, दरअसल इसका एपिसोड 12 जो कि चेंसो मैन का सीजन 1 का एपिसोड 12 आपको 27 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और इसका सीजन 2 जल्दी आने वाला है और मापा स्टूडियो ही बनाने वाला है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं जानता हूँ चेंसो मैन की काफ़ी सारे फैंस इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी एक्साइटेड हुए होंगे, क्योंकि यार चेंसो मैन काफ़ी अच्छा एनिमे है, मतलब कि बहुत अच्छा रहा यार कसम से। और अब बात करते हैं नए एनिमे को लेके, मैशल मैजिक एंड द मस्कल की नए एनिमे का ऑफिशियल निकल के आ चुका है। ये एनिमे अप्रैल 2023 को प्रीमियर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें ये देखने को मिलेगा? देखो भाई, 50-50 सवाल है, 50-50 आंसर भी ये है कि हमें म्यूज एशिया या एनिमे एशिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। और मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे ये म्यूज एशिया के ऊपर देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखो यार है कि नहीं। और अब बात करते एक नए एनिमे को लेके, होकाइडोस गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल की एनिमे का शेड्यूल हो चुका है 2023 के लिए। अभी इसका मंथ या डेट कुछ भी रिवील नहीं हुई, तो सॉरी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे तो ये यकीन है कि एनिमे आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, इसके नाम में ही है, आप समझ गए ना, समझे, वेरी गुड, ऐसी लोग होने चाहिए समझदार। और अब बात करते हैं एक एनिमे को लेके, मिशन याजकुरा फैमिली के एनिमे अनाउंस हो चुकी है, ये जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसकी डेट या मंथ कुछ भी रिवील नहीं हुआ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। और आप लोगों को पता है हम लोगों को न्यू ईयर तक 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करनी है। अपनी लाइफ का एक मोमेंट निकालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आप अपना मन भी बदल सकते हो। अगर आपने 400 भी करवा दी तो भी मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा, ओके। और अब बात करते हैं एक नए एनिमे को लेके, द क्यूट क्राइसिस के एनिमे का नया ऑफिशियल निकल के आ चुका है। ये एनिमे अप्रैल 2023 को देखने को मिलेगा, यानी कि समर तक, ओके। वैसे पिछले साल की समर काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यार काफ़ी नए एनिमे हमको देखने को मिले थे और काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमे थे, और स्पाइक फैमिली भी तभी आया था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और अब बात करते टॉप 3 एनिमे, यानी कि जो जापनीज फैन ने तय किया है, उसमें सबसे पहले नंबर पे है अटैक ऑन टाइटन, एनिमे ऑफ द ईयर बन चुका है। और मैं बता दूँ यार, इंडिया के एनिमे फैन से क्यों नहीं पूछे कि कोई कौन सा एनिमे टॉप में आना चाहता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि कौन सा टॉप 10 एनिमे आपको चाहिए, कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना कि कौन सा एनिमे नंबर 1 टाइटल डिजर्व करता है। और अब बात करते हैं मोब साइको के सीजन 4 को लेके, तो मोब साइको का सीजन 3 फाइनली एंड हो चुका है। और मोब साइको को सीजन 4 को लेके अभी बेसिकली कोई भी ऐसी अपडेट निकल के नहीं आई, लेकिन क्योंकि यार देखो अभी मोब साइको के क्रिएटर ने वन पंच मैन बनाया है, तो वन पंच मैन को लेके अभी वो थोड़े से बिजी चल रहे होंगे, तो शायद आपको मोब साइको भी देखने को मिल सकता है, ओके, देखने को मिल सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि देखने को मिलेगा। और मैं तो रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ शायद हमें देखने को मिल जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे न्यू ईयर तक 500 सब्सक्राइबर की फैमिली चाहिए, ओके, तुम कर सकते हो, अगर तुमने 400 भी करवा दिए ना तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। आज की वीडियो में इतना यार, अगली वीडियो में मिलते हैं।